सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड केस में एक और गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुक्तसर से किया गया और गुरदीप सिंह नाम है, ये हरियाणा के गांव किंद्रा का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया और इसका संबंध बताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप व जो विदेश में बैठा है गोल्डी बराड़ उसके साथ। और हैरानी की बात यह है कि इसके पास से कई लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई हैं और साथ ही हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिसमें से दो पिस्टल हैं और एक 12 बोर की राइफल है। कांग्रेसी नेता जो राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे अजय माकन, उनको अपना मत नहीं दिया, इसकी बजाय उन्होंने जो विपक्षी थे उनको अपना मत दिया है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज का मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज मेरे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद वंदना जी। धर्मेंद्र जी, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड केस में एक और गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुक्तसर से किया गया, कौन है ये गैंगस्टर? बिल्कुल जी वंदना जी, नाम है इसका गुरदीप गीता उसका जो है उपनाम है और गुरदीप सिंह नाम है, ये हरियाणा के गांव किंगरा का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया और इसका संबंध बताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप व जो विदेश में बैठा है गोल्डी बराड़ उसके साथ। जब पुलिस सिद्धू मूसेवाला के कातिलों की पूछताछ कर रही है, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, तो इसी के चलते गुरदीप सिंह गीता को भी गिरफ्तार किया गया है। और हैरानी की बात यह है कि इसके पास से कई लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई हैं और साथ ही हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिसमें से दो पिस्टल हैं और एक 12 बोर की राइफल है। और काफ़ी ये गाड़ियों का शौकीन था, अब इससे पूछताछ की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूछताछ में क्या खुलासे होते हैं, कौन सी वो नई बातें बताता है। और साथ ही 9 आरोपी थे जिन्हें शक के बिना पर भी गिरफ्तार किया गया था, पुलिस ने हिरासत में लिया था, उन्हें भी कोर्ट में पेश किया गया है, जिसके बाद कुछ को न्यायिक हिरासत में भेजा गया और कुछ का पुलिस से रिमांड लिया गया है। और पुलिस पूरी तरह से पूरी मुस्तैदी के साथ पूरी सतर्कता के साथ सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड को सुलझाने की कोशिशों में जुटी हुई है। पंजाब के अमृतसर में पति पत्नी से लूटपाट की गई है, ये लूटपाट किस तरीके से की गई, घटना को कैसे अंजाम दिया गया? बिल्कुल वंदना जी, अमृतसर के काले गांव का मामला है। काले गांव का रहने वाला हरविंदर सिंह कुछ ही दिन पहले दुबई से वापिस आया था और वह अपनी पत्नी के साथ श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब में माथा टेकने के लिए जा रहा था। सुबह 3:30 बजे वो निकला था। इसी दौरान दो मोटरसाइकिलों पर आए 4 सवारों ने उनके ऊपर हमला किया, लूटपाट की, 3 के करीब उनके पास जो मोबाइल थे वो छीन लिए और इसी के चलते विरोध करने के चलते ही हरविंदर सिंह के ऊपर फायरिंग की गई, जिसके चलते हरविंदर सिंह की मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की गई है, जिसकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। और जो विपक्षी हैं उन्होंने इस घटना के बाद पंजाब में अमन कानून की जो स्थिति बिगड़ती हुई नज़र आ रही है उसके ऊपर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं राजा पड़िंग, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से पंजाब में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को सोचना चाहिए, इन हालातों को काबू में लाना चाहिए। इससे पहले भी लगातार ऐसी ही वारदातें होती हुई नज़र आ रही हैं। एक सुनार से भी पंजाब में बड़ी लूट की गई है, उसके पास से कई 1.5 किलो या 1 किलो के करीब जो सोना था वो लूटा गया है। इसके अलावा 25 किलो के करीब जो चांदी थी वो भी लूट ली गई है। इससे पहले भी एक प्रॉपर्टी डीलर के पास से 1 करोड़ रुपये लेकर फरार हो गए थे लुटेरे, जिनका अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। तो ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं पंजाब में, जिसके बाद विपक्षी लगातार पंजाब सरकार को निशाने पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों ने पाबंदी के बावजूद धान को लगा दिया है, कब तक की थी ये पाबंदी? वंदना जी, इस बार पंजाब सरकार ने फैसला किया था कि जो किसान
धान की सीधी बिजाई करेंगे, बिना पानी के सीधे धान का बीज खेत में डालेंगे तो उन्हें 1500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद किसान अभी भी उसी प्रकार से रवायती जो कृषि करते थे उसी के मुताबिक ही धान की खेती कर रहे हैं, जिससे खेत को पूरी तरह से पानी से भर दिया जाता है, उसमें धान की जो पौध होती है उसको लगाया जाता है। तो वो भी सरकार ने निर्धारित किया था कि 17 जून से पहले कोई भी किसान धान की रोपाई नहीं करेगा, लेकिन किसान संगठन है, उनके जो कारकुन हैं या उनके जो नेता हैं, उन्होंने कहा है कि हम तो 17 जून से पहले ही इसकी खेती करेंगे। हालांकि बिजली की सप्लाई भी कम आ रही है, पानी की जो दिक्कत है, किल्लत है, वो बनी हुई है, लेकिन किसान अपने अपने ढंग से डीजल के इंजन से या फिर ट्रैक्टर के साथ जो मोटर वगैरह लगी होती है उससे पानी निकाल रहे हैं ज़मीन का और खेती कर रहे हैं। और साथ ही किसानों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई भी अधिकारी या पुलिसकर्मी उन्हें रोकने के लिए आता है तो हम उसको बंधक बनाएंगे, उसका घेराव करेंगे। और इसके बाद जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनका कहना है कि हम जिन लोगों ने 17 जून से पहले धान की खेती शुरू कर दी है उनकी उस धान की फसल को नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन किसान कहते हैं कि हमने पहले से ही खेती कर दी है और अगर अब सरकार ने ऐसा कोई भी फैसला लिया, हमारी फसल नष्ट करने की कोशिश की गई, तो इसके नतीजे बुरे होंगे। इसके लिए जब तक समय जो निर्धारित किया गया 17 जून वो नहीं आ जाते, तब तक किसान यूनियन के जो नेता हैं वो उस धान की फसल की रखवाली करेंगे। चीनी मिल के बाहर लगा धरना अब खत्म हो गया है, मगर ये धरना लगा क्यों था? पंद्रह जी, पंजाब में एक स्थान पड़ता है मुकेरियां। मुकेरियां में चीनी की एक मिल है जहाँ पर चीनी बनती है, वहाँ पर जो गन्ना उगाने वाले गन्ना उत्पादक किसान हैं उन्होंने धरना लगाया हुआ था। धरना इसलिए था कि उनकी बकाया राशि जो उन्हें भुगतान करना था, जो उन्हें गन्ने के एवज में पैसे मिलने थे, वो लंबे समय से नहीं मिल पा रहे थे और करोड़ों में ये राशि है, जिसके चलते उन्होंने कहा था कि एक और तो सरकार कहती है कि हम फसल है जो हमारी उसको चेंज कर कर बीजें, कि धान और जो गेहूं का चक्कर है उससे बाहर निकलें। तो अगर वो गन्ने की खेती करते हैं तो उन्हें उनका पूरा जो मूल्य है वो नहीं मिलता, तो इसलिए किसानों ने धरना दिया हुआ था। लेकिन अब किसानों व जो मिल के अधिकारी हैं उनके बीच में सहमति बन चुकी है और मांगें भी मान ली गई हैं। जो किसान धरने पर बैठे थे उनके ऊपर पर्चे भी दर्ज किए गए थे, वो मामले भी वापस लेने पर सहमति बनी है और साथ ही 3 किश्तों में करोड़ों रुपए किसानों के खाते में आएंगे, उन्हें अदा किए जाएंगे, जो भरोसा दिया गया है, जिसमें जो पहली किस्त है वो 13 जून को आएगी, 20 करोड़ रुपया किसानों के खातों में डाला जाएगा। उसके बाद 24 जून को 15 करोड़ रुपया डाला जाएगा और 30 जून को 10 करोड़ रुपये किसानों को उनके गन्ने की पेमेंट की जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि यह सिर्फ सहमति दी गई है, भरोसा दिया गया है, या फिर यह जो कागजी कार्रवाई होती है उसके तक ही सीमित रहता है, या फिर किसानों को उनकी मेहनत का मूल्य मिलता है या नहीं। हिमाचल प्रदेश में केजरीवाल और भगवंत मान ने जनता को संबोधित किया, क्या कहा उन्होंने? वंदना जी, नवंबर में विधानसभा चुनाव है हिमाचल प्रदेश में, इसके चलते जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश की जनता को अपने पक्ष में किया जा सके। मुख्य रूप से भाजपा व आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। इसी के चलते ही भगवंत सिंह मान व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमीरपुर पहुँचे थे। हमीरपुर में उन्होंने शिक्षकों को संबोधित किया, जो परिजन होते हैं विद्यार्थियों के उनको संबोधित किया और कहा कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त करने का हमने लक्ष्य उठाया है, दिल्ली में भ्रष्टाचार कम हुआ है, पंजाब में भी भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाई जा रही है, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार किए जा रहे हैं, वैसे ही सुधार हम हिमाचल प्रदेश में भी करना चाहते हैं। इसी के चलते अरविंद केजरीवाल की ओर से स्कूलों के हालात बताए गए, जो हालात हिमाचल प्रदेश के स्कूलों के हैं वो भी आंकड़े उन्होंने बताए। और साथ ही भगवंत सिंह मान ने अपने संबोधन में कहा कि जिस प्रकार से दूध से दही बनाने की प्रक्रिया होती है तो उसमें जो जाग लगाई जाती है, जगहें लगाई जाती है, वो दिल्ली में लगी थी, उसके बाद हिमाचल में लगी थी और अब 2 चम्मच तैयार हो चुके हैं, जो हिमाचल में लगाएंगे ये जगहें और दही जमेगा, यानी कि सरकार बनेगी और लोगों को सहूलतें दी जाएंगी, किसी भी प्रकार का कोई भी उन्हें लारा नहीं लगाया जाएगा। कांग्रेसी नेता कुलदीप विश्नोई से सारे पद वापस ले लिए गए हैं, क्यों?
वंदना जी, कुलदीप बिश्नोई काफ़ी बड़े दिग्गज नेता हैं हरियाणा के, तो इसी के चलते राज्यसभा के लिए वोटिंग हुई थी और राज्यसभा के लिए वोटिंग के दौरान उम्मीद होती है कि जिस राज्यसभा प्रत्याशी को खड़ा किया गया है उसके पक्ष में ही जो विभिन्न MLA हैं उसी पार्टी के, वो उसको वोट करेंगे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने आज़ाद उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट दिया, कार्ती के नाम का जो आज़ाद उम्मीदवार था उसको अपना समर्थन दिया, तो इसी के चलते जब यह मामला हाईकमान तक पहुंचा तो हाईकमान ने एक्शन लेते हुए कुलदीप बिश्नोई से जितने भी पद थे वो वापस लेने का फैसला किया कि उन्हें जितने भी पद दिए गए थे उससे उन्हें हटा दिया गया और आने वाले समय में विधानसभा में भी उनकी जो MLAship है, जो विधायक हैं, उसको भी रद्द किया जा सकता है। कुलदीप बिश्नोई की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं क्योंकि उन्होंने कांग्रेसी नेता जो राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे अजय माकन, उनको अपना मत नहीं दिया, इसकी बजाय उन्होंने जो विपक्षी थे उनको अपना मत दिया है। विभिन्न खबरों पर अपना प्रतिक्रम देने के लिए धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद वंदना जी, कल फिर से ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में। तब तक के लिए नमस्कार।